गुड मॉर्निंग क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, दैट इज नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल. इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 19. नाउ वेन एवर यू आर सीइंग दिस वीडियो, आई होप यू आर हैविंग योर पेंसिल एंड इरेजर विद यू. नाउ लेट अस स्टार्ट क्विकली. आई होप ऑल ऑफ यू न्यू वट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. नाउ लेट्स Start it with an example over here. Let's get started. It is written, read the conversation between Srishti and Preeti. Help Preeti make a list of the things that she has to buy. Srishti, we have a party for our class tomorrow. Kal hamare party, hamare class ke liye ek party hai. Srishti is saying, kal hamare class ke liye ek party hai. Could you buy some of the things we need? Srishti is asking Preeti कि क्या तुम मुझे कुछ सामान खरीद के दे सकती हो. Preeti, sure Srishti, what should I buy? Preeti answer करती है Srishti को, हाँ हाँ क्यों नहीं, what should I buy, मैं क्या खरीदूँ. Srishti, we need 30 paper cups, 30 paper plates, a bag of chips, a big chocolate cake and 2 bottles of orange juice. Now Srishti gave the list to Preeti, like we need 30 paper cups, 30 paper plates and so and chocolate cake, 2 bottle of orange juice. Preeti, that's a lot of things. I hope I remember everything. अब Preeti in turn बोलती है Srishti को, ओ ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, I hope मेरे को ये सब कुछ याद रहे. Did you notice that the nouns you listed tell us whether they are one or many in number? Okay. In this line where Srishti is speaking about the name of the things, आपने ये notice करा है कि उनमें से कुछ चीज़ें plural form में हैं और कुछ उनमें से कुछ चीज़ें one number में है, singular number में है या फिर more than one में है. Nouns can tell us about the number of people, animal, places or things. एक डेफिनेशन, वन डेफिनेशन विच वी हैव, विच यू ऑल हैव स्टडीड एंड हैव लर्न इज नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. नाउ हेयर इट इज, नाउन कैन टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स ऑल्सो. गॉट इट? दिस इज इम्पॉर्टेंट. दिस इज समथिंग न्यू विच यू हैव रेड टूडे, विच यू गॉट टू नो टूडे. नाउ कम ओवर सिंगुलर नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स आर यूज एज नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन, एनिमल और थिंग. जब हम एक पर्सन, एक वन पर्सन, वन एनिमल और वन थिंग के बारे में बात करते हैं तो हम उसको किस कैटेगरी में बोलते हैं? उसे हम सिंगुलर नाउन्स की कैटेगरी में बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मदर गेव द बेबी अ टॉय कार. नाउ हेयर इन दिस सेंटेंस देयर आर 3 नाउन्स, मदर, बेबी, कार. ऑल 3 आर रिटन इन बोल लेटर्स. नाउ सी, मदर इज अ सिंगुलर नाउन, देयर इज वन, आई एम, वी आर टॉकिंग ऑफ वन पर्सन. बेबी अगेन अ सिंगुलर नाउन, वी आर टॉकिंग ऑफ ओनली वन पर्सन, एक ही बच्चे के बारे में बात हो रही है. कार, ओनली वन कार. सेकेंड एग्जाम्पल, आई एट एन एग फॉर ब्रेकफस्ट. ओके, हेयर वट इज रिटन इन बोल लेटर, एग, एंड हेयर द एग इज सिंगुलर नाउन, ओनली वन एग. देयर इफ इट वुड हैव बीन मोर देन वन एग, अगर एक से ज़्यादा होता तो यहाँ पे एस आता. एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. Now here in this sentence there are 3 nouns, apple, day, doctor, and you can figure it out. Ek hi apple hai, there is only one apple, single day and one doctor. Now these are mother, baby, car, egg, apple, day, doctors. These are example of singular nouns. Now come over here, plural nouns. Plural nouns are used as names of more than one person, animal or thing. जब हम एक से ज़्यादा एनिमल्स, पर्सन, या थिंग की बात करते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्लूरल नाउन्स. मदर गेव द बेबी सेवरल टॉयज टू प्ले विथ. नाउ कम ओवर हेयर. हेयर इन दिस सेंटेंसेस देयर आर 3 नाउन्स, बट व्हाट वी आर लुकिंग ओवर हेयर इज ओनली फॉर प्लूरल नाउन, एंड हेयर इट इज टॉयज, TOYS. अदरवाइज यहाँ पे 2 नाउन और है, मदर एंड बेबी. अगेन ये एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है. वन मदर, वन पर्सन दैट इज मदर एंड अनदर पर्सन इज बेबी. सिंगल, दे आर सिंगुलर, एंड हेयर ओनली टॉय इज रिटन एज टॉयज. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन टॉय. सो टॉयज इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउन.
Mr. Sinha bought eggs from the grocery store. Now see, Mr. Sinha is the name of a person and we are talking about only one person. And what? He bought eggs. See over here carefully. Here E-double-G-S, eggs. And here we read E-double-G, egg, only one egg. From the grocery store. Apples are good for health. Again here, apple, A-double-P-L-E and S. So this is also a plural noun. And here it was A-double-P-L-E. I think in standard 5, you should know all this. Now come to page number 20. Look over here very carefully. बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत important है. मैंने इसका एक sheet भी prepare किया है and I will send it to you in your class group. पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं how we form plural nouns, forming of plural nouns. There are total 8 points. Come to first one. When we form plurals for the most of the nouns, we add s at the end of the word. जैसे हमने पीछे example में भी देखा, अगर हमें singular noun को plural form में करना होता है तो mostly, most nouns में, for most nouns we add s. हम सीधा s add कर देते हैं और उससे क्या हो जाता है, वो plural form में आ जाता है. जैसे house, houses, river, rivers. Now, when a singular noun ends with, अब बात हो रही है second में, कि जब singular noun end होता है या तो s, double s, x, z, ch और sh. ये आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और इसको आपको हमेशा याद रखना होगा. जब इन सब से ये वर्ड ऐड हो, कोई भी वर्ड इन में से किसी में एंड होता है ना, s, डबल s, x, z, ch और sh, वी एड es. व्हाट वी एड? वी एड es एट द एंड ऑफ द वर्ड. जैसे बस है, बस के एंड में क्या वर्ड आ रहा है, सॉरी क्या अल्फ़ाबेट आ रहा है, s. देन देर इज़ क्लास, क्लास के एंड में क्या अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, डबल s. फॉक्स, फॉक्स के एंड में क्या आ रहा है, लास्ट अल्फ़ाबेट x. तो अंडरस्टूड है, जैसे s, डबल s, x आ रहा है तो हम इमीडिएटली es ऐड कर देंगे. बस में es ऐड किया तो बसेस, क्लास में वी ऐड es, देन व्हाट वी गॉट, क्लासेस. फॉक्स वी ऐड es, देन वी गेट, व्हाट वी गेट, फॉक्सेस. क्विज, क्विजेस. सी z, द लास्ट अल्फाबेट इन क्विज वर्ड इज z, वी एडेड es, क्विजेस. ब्रांच, ब्रांचेस. विश, विशेस. नाउ कम ओवर थर्ड. फॉर सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन ओ वी एड es टू फॉर्म प्लूरल. ओके, फर्स्ट वन वॉज वी रैंडम, मोस्ट ऑफ द नाउन्स वी एड s तो विद, सो दैट प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड. सेकेंड वन, देर आर पर्टिकुलर, आई मीन there are particular alphabets, if the word end with such alphabets then we add es. Now they are saying there are singular nouns which when end with o we add es. Keep it in mind, these were s, double s, x, z, ch, sh, now it is o. Singular nouns ending with o we add es. Potato, potatoes. Es, mango, mangoes. Now in the fourth point they are saying, however there are some nouns ending in o that form plural by ending s. This is very important. Be careful. First वाले में ये बोला गया है कि अगर शब्द word के end में o है तो हम सीधा es add कर देते हैं. तो इसे example उन्होंने potato, potatoes, mango, mangoes, hero, heroes दिए. फिर ये बोल रहे हैं but कुछ nouns ऐसे भी हैं जिनका ending में o ही होता है शब्दों में, words में, but हम वहाँ पे s add करते हैं. तो ये आपको बहुत carefully देखना है, इसको याद रखना है basically. फोटो, फोटोज. पियानो, पियानोज. जू, zoos. ठीक है. नाउ कम द फिफ्थ पॉइंट. अ सिंगुलर नाउन दैट एंड्स इन ए y प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट. बी केयरफुल स्टूडेंट्स. ये कह रहे हैं वो सिंगुलर नाउन जिनके एंड में y होता है. ये देख रहे हो सिटी, बेबी, इनके लास्ट अल्फाबेट क्या है, y. बट प्रिसीडेड, प्रिसीडेड मतलब y से पहले वाला जो अल्फाबेट है, ये जैसे b, t या बेरी का r, ये जो वर्ड्स है जो y से पहले है ये है कॉन्सोनेंट. अब आपको कुछ कॉन्सोनेंट का ध्यान है, हमारे अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, a टू z वॉवल्स कितने होते हैं, 5. 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं. 26 में से अगर हम 5 माइनस कर दें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स बचे, 21. दोज आर कॉन्सोनेंट्स. दैट मीन्स a e i o u. एक्सेप्ट दीज फाइव,
रेस्ट आर कॉन्सोनेंट्स. तो वो कहते हैं कि जो वर्ड वाई से एंड होता है पर उससे एक एक शब्द उससे एक पहला अल्फाबेट कॉन्सोनेंट होता है, तो हम वहाँ पे क्या ऐड करते हैं, आई ई एस. गॉट इट? तो कहते हैं सिटी सिटीज, बेबी बेबीज. इसका मैं क्लियर फॉर्मेट में भी आपको भेजूंगी. हाउएवर इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद अ वाई एंड प्रिसीडेड बाय अ वॉवल. ओके, अगर वही से अगर वो अब ये कह रहे हैं वो वाले सिंगुलर नाउन जिनका एंड तो वाई से ही होता है जैसे इनके हुए, बट उनसे एक अल्फाबेट पहले क्या होंगे, वॉवल्स. जैसे ए ई सी, मॉन्की का ई, रे का ए, वाई से पहले क्या है ए. यहाँ सिटी में टी था, टी इज नॉट अ वॉवल, इट्स अ कॉन्सोनेंट, बट ए इज अ वॉवल. तो रे का वी सिंपली एट एस. अगर कॉन्सोनेंट है तो आई ई एस, और अगर वॉवल है तो एस. रे रेज, मॉन्की मॉन्कीज, टॉय टॉयज. ठीक है, नाउ कम टू द सेवेंथ पॉइंट. इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विद एफ एंड एफ ई, देन वी चेंज द एंडिंग टू आ वी ई एस. अगर एफ और एफ ई के साथ एंड होता है तो हम वी ई एस ऐड कर देते हैं प्लूरल बनाने के लिए. लाइफ लाइव्स, सी वी ई एस, वाइफ वाइव्स, लीव लीव्स. गॉट इट? नाउ दे आर अगेन वही सेम थिंग है पर अलग है. हाउएवर फॉर सम नाउन्स एंडिंग विद एफ और एफ ई द प्लूरल इज फॉर्म बाई एडिंग एस. आई नो क्लास इट्स क्वाइट कन्फ्यूजिंग, बट जब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे ना और आप इसे बार बार लिखेंगे तो आपको ये अपने आप समझ में आने लगेंगे और आपको एक तरह से ये याद भी हो जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप ही. चीफ चीफ्स, यहाँ पे एफ में एंड हो रहा है तो इन्होंने क्या करा है, एफ इसके आगे सिर्फ एस ऐड किया है. बट मेक श्योर कि ये भी है, यहाँ पे ध्यान से देखो एल आई एफ ई है, फिर इसको एल आई वी ई एस करा है तो इस एफ ई को इन्होंने रिमूव कर दिया है. डब्ल्यू आई एफ ई है, उसको प्लूरल में करने के लिए डब्ल्यू आई वी ई एस किया है तो इन्होंने यहाँ पे एफ ई को रिमूव किया है, वी ई एस ऐड किया है. बट सी एच आई ई एफ है चीफ, इसमें से एफ को इसको प्लूरल करने के लिए उन्होंने सी एच आई ई एफ ही रखा है प्लस एस ऐड किया है, एफ को रिमूव नहीं किया है. सेम जिराफ को प्लूरल करने के लिए उन्होंने एस ऐड किया है पर लास्ट के एफ ई को रिमूव नहीं किया है. थोड़ा ध्यान रखना इनका. गॉट इट? रेस्ट हम बाद में करेंगे, आई मीन इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड आई विल सेंड यू अ प्रॉपर फॉर्मेट, मैंने लिखा है, आई विल सेंड यू टू यू नो क्लास ग्रुप इनको लिखने कैसे लिखना है. ओके क्लास, एक्सरसाइज ए आई विल डू इट फॉर यू, अभी मैं भेजूंगी. एक्सरसाइज बी एंड एक्सरसाइज सी, बी आप करेंगे, इट्स अ होमवर्क. सी मैं आपको अभी सेंड करूंगी एंड ए भी मैं आपको सेंड करूंगी. ए एंड सी आई विल डू इट फॉर यू एंड बी यू विल डू इट योरसेल्फ. मैं उसका आंसर फिर बी का कल आपको सेंड करूंगी, बट ए और सी का मैं अभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रही हूँ. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम.